तो गाइस आप लोग देख सकते हो ना, मुझे बैडोमैन मिल चुका है। तो यहाँ पे ना कुछ नमूने स्पॉन हुए थे जिनको मैंने मारा और मुझे बैडोमैन मिल गया। तो अभी तक मैं घर पे नहीं गया, तो बैडोमैन हटाने के लिए मैं है ना मिल्क पी सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा इतना मेहनत से मेरे को मिला है, एक्चुअली मेहनत तो नहीं किया, वो यहाँ पे स्पॉन मेरे को दिखा तो मैंने मार दिया, तो मिला है तो मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ, रेड करवाता हूँ। तो मैं है ना अपने रेड फार्म में करवा सकता हूँ या फिर कहीं विलेज में। तो अपने विलेज में करवाऊंगा तो खतरा होगा, देख सकते हो वहाँ पे मेरा मतलब पूरा का पूरा टाउन है, मतलब पूरा का पूरा एम्पायर वहीं पे खड़ा किया मैंने। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक पीछे विलेज है तो उसमें मैं कराता हूँ मतलब रेड, और वहाँ पे अगर विलेजर मरते भी तो कोई टेंशन नहीं, अगर गलती से भी आयरन फार्म के आसपास मेरे स्पॉन हो गए तो पूरा आयरन फार्म बिगाड़ देंगे, तो उतना रिस्क मुझे नहीं लेना। और दूसरे विलेज में तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पे पास में ही तो इसी में चलता हूँ, और नाइट भी हो रहा है ना तो मेरे को ओके मैं बेड लेके आऊँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे रेड को जीतना है तो एक मिनट हम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकता हूँ। पता है सारे बेड को तोड़ने पे उनको लगता है कि ख़त्म हो चुका है, वो क्या बोलते हैं उनका नाम क्या है यार, रेड खत्म हो चुका है, फिर वो मतलब जीत का जश्न मनाते, तो वो मैं ट्राई करने वाला, ऐसा हो सकता है यानी मैं पूरा का पूरा वेस्ट कर दूंगा, इससे अच्छा मैं उनको ठिकाने लगाता हूँ एकदम लास्ट वाले रेड पे ट्राई करूंगा। तो जब मैंने उनको मारा तो उन्होंने ये बो दिया था पियर्सिंग ये सब वाला, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले ना मैं सबसे पहले सो लेता हूँ, और सोने के बाद हम अपना रेड स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो अभी देखते हैं कि है ना हम कहाँ पे करेंगे, तो इसको मैं पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, बेड काम आएगा। तो है ना यही डायरेक्शन में कहीं पे मैंने पूरा का पूरा आर्मर पहन के रखा है, और विलेज यहीं पे कहीं पे मेरे को दिख भी रहा था, बहुत ही ज़्यादा पास है, एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही पास है, देख सकते हो विलेज दिख भी रहा है मेरे को उनके घर। तो इसमें है ना खाली विलेजर होने चाहिए, और विलेजर हुए ना अपना काम बन जाएगा। तो मैं बहुत पहले आया था तब यहाँ पे विलेजर थे, और यहाँ पे अभी मुझे दिख तो नहीं रहे, बट कोई बात नहीं चलते। और मतलब जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी, फुल नेदरराइट का आर्मर है और इतना पावरफुल सब कुछ इंचेंटमेंट लगा, इससे बेस्ट इंचेंटमेंट मिल ही नहीं सकता। तो अभी देखते हो कि विलेजर है विलेज में। तो चलिए अब रेड करते हैं फटाफट, और ये फाइनली रेड हो रहा है। तो यहाँ इनका है ना बेल कहीं होता है, घंटी कहीं पे होता है, तो मैं वो घंटी भी बजा सकता हूँ। तो अब मैं उनको ढूंढता हूँ कि घंटी किधर है, वैसे उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये खुद ही भाग जाएंगे। तो इनकी बेल ओके शायद इनके विलेज ओके ये रही बेल। तो हालांकि इन्होंने ना कितना खतरनाक तरीके है ना रखा है। तो फाइनली मैं पहली बार कहीं बेल बजा रहा हूँ, यहाँ पे विलेजर आया ना, तो शायद मेरा एक अचीवमेंट्स भी पूरा हो चुका होगा शायद से। मैं और एक तो बजा देता हूँ, क्योंकि है ना एक अचीवमेंट था, रेडर आते ना तो हमको घंटी बजाना होता है। तो मुझे दिख नहीं रहा कि कौन से साइड से आ रहे हैं एक्चुअली, मैं मतलब दिख क्या नहीं रहा मुझे ना ओके वो विलेजर वहाँ पे कहाँ पे एकदम ऊपर बैठा है और नीचे आयन गोलम है, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ से रेड हो रहा है। तो ओके मेरे को दिख ही नहीं रहा यार कहीं पे भी, मैं ना विलेज ओके कहीं से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, वो जो बजाते हैं ना भोंपू या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो अभी देखते कहाँ पे, तो गाइस मुझे दिख तो नहीं रहा, मुझे लाइट्रा का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं है ना यहाँ से ऊपर चल के इसको फाइंड करता हूँ, तो मुझे ना ऊपर से कहीं से मिल सकते हैं। तो अब मेरे को है ना देखना है कि वो कहाँ पे स्पॉन हुआ, एक्चुअली मुझे दिख ही नहीं रहे ना यहाँ से, मैं इतना ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहे। तो कहीं पे ना कोई केव के अंदर तो स्पॉन नहीं हो गए ना, तो यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे भी मेरे को नहीं दिख रहे। तो एक्चुअली स्पॉन कहाँ हुआ मुझे ओके ये रहा, ये मैं इतने देर से ढूंढ रहा हूँ, अच्छा है मेरे पास इलाइट्रा है, और इलाइट्रा से पता चल गया, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इनको ठिकाने लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फर्स्ट रेड बहुत ही इजी तरीके से मैं कॉन्करर कर सकता हूँ। और यहाँ पे कैट है, मेरे को लगा ऑसलट कहाँ से आ गए यहाँ पे, तो इनको ठिकाने लगाते। चल भाई निकलने यहाँ से, और अरे यार ये मुझे क्यों मार रहा है, ऊपर चढ़ने में टाइम लग रहा है, और ये बारिश हो चुकी है ना एक बेकार। ओके ये एमरल्ड भी दे रहे हैं, बहुत सी एमरल्ड भी मिल जाएंगे, तो मुझे इनको ठिकाने लगाए। बारिश हो रही है ना तो मेरा फायर एक्सपेक्ट किसी काम का नहीं है, बट कोई बात नहीं जितना है उतने से मैं काम चला लूँगा। तो अभी है ना मैं इनको पहले ठिकाने लगा, ओके आयरन गोलम भी मार रहा है, क्योंकि मेरे को जितना पता है मैंने सिर्फ एक को मारा है, वो वहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए। एक मिनट मैं ना फटाफट से चलता हूँ उतना दूर, निकल ले भाई यहाँ पे, और एकदम स्टाइल में यहाँ पे गिरो, और डैमेज भी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इनको अब ठिकाने लगाता हूँ। तो हमारा है ना सिर्फ एक ही बंदा बचा, और यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी अजीब है। तो इसको पहले ठिकाने लगाते, कहाँ है भाई। तो ये निकल रहे यहाँ से, और अंदर विलेजर है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैंने ठिकाने लगा दिया फटाफट, और ये फर्स्ट रेड हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैं पूरा का पूरा बेड तोड़ देता हूँ ना तो ये रेड कंप्लीट हो जाता है। तो अभी ना एक काम करता हूँ, मैं सारे के सारे बेड तोड़ के देखता हूँ कि इनका रेड खत्म होता है यानी। तो जितने भी घर में बेड है उन सबको तोड़ता हूँ, तो ये पहला है तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो गाइस मैंने है ना ऑलमोस्ट सारे के सारे बेड तो मैंने तोड़ दिया है ना, वहाँ के थोड़े से बेड बचे, उसके बाद है ना देखते हैं कि क्या बोलते हैं जो रेडर थे वो अपना है ना काम खत्म करते हैं यानी। क्योंकि जितना मुझे पता है कि हम सारे बेड तोड़ देते हैं ना, तो ओके कोई तो मुझे मार रहा है। ओके ये एक्स वाला बंदा है, तो इसको मैं पहले ठिकाने लगाता हूँ, और मुझे ना सबसे पहले ना आर्मर पहन लेना चाहिए, वरना मैं तो जाने वाला हूँ काम से। तो इसको मैं ठिकाने लगाता हूँ, और एक मिनट मैंने ना शील्ड नहीं पहना, एक मिनट शील्ड भी ले लेता हूँ। तो ये एक्स वाले बंदों से ना मेरे को उलझना नहीं है, वरना ये गड़बड़ कर देंगे।
तो यहाँ पे है ना नहीं है कोई भी बेड, तो बस मुझे सारे बेड तोड़ना है और मैं जीत जाऊँगा बिना कुछ किए जितना मुझे पता है। तो अरे हट वे नमूने, यहाँ से हट क्यों नहीं रहा है, हट, इसको मैं ही निपटा देता हूँ, ये हट ही नहीं रहा तो अब मैं मतलब कर ही क्या सकता हूँ, हटो यार। अब यहाँ पे भी कुछ विलेजर है तो एक ही घर में 4-5 विलेजर घुस के बैठे, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। तो आई थिंक सारे बेड तो ओके, इनको भी मेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा, निकल ले यहाँ से, और इसको भी मेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा, निकल ले यहाँ से। तो सारे बेड को मुझे ओके, इसने मुझे कोई बुक दिया तो ये बुक को मैं कलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कुछ एमरल्ड भी दिया है, चलो इसको भी कलेक्ट करते हैं। तो और कितने बेड है मेरे को देखने पड़ेंगे, मुझे सारे के सारे बेड तोड़ने, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो रेड शायद से ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने सारे बेड तोड़ दिया, और मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई भी मतलब मॉब आ रहे हैं, यहाँ पे एक भी बेड नहीं है। देख सकते हो रेड ऊपर से अचानक से चला गया, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मतलब रेड एकदम से गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई बेड लगाता हूँ तो रेड आता है वापस, तो आई डोंट थिंक कि वापस रेड आता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। देख सकते हो रेड चला गया, यहाँ पे अभी स्पॉन हो रहे थे और अचानक से रेड चला गया, तो मतलब खतरनाक लेवल पे काम करता है। लेकिन वो मॉब को मैंने सबको ठिकाने लगा दिया, हालांकि मुझे ना इससे टोटम ऑफ अनटाइम मिल सकता था लेकिन मैंने ना वेस्ट किया, चलो कोई बात नहीं। बस मेरे को चेक करना था कि ऐसा होता नहीं, काफ़ी खतरनाक लेवल का हमने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जैसे सारे बेड तोड़ दिया ऑटोमेटिक मेरा रेड ऊपर से चला गया, अभी तक सिर्फ 2 ही रेड मैंने कॉन्करर किया था और टोटल 4 या 5 होते हैं, और ये चला भी गया। देख सकते हो विक्ट्री का भी साइन नहीं आ रहा है क्योंकि रेड कंप्लीट हुआ ही नहीं तो विक्ट्री भी नहीं आ पाएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली हमारा ऐसा वर्क किया और यहाँ से मैं दोबारा रेड ले सकता हूँ, लेकिन उससे पहले ना ये कितने सारे मैंने बेड रह के रखे हैं, इन सबको ना मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए ताकि है ना ये लोग बेकार में सोएंगे, मैं ना इनका बेकार में बेड लेके नहीं जाना चाहता, तो इन सबको है ना मैं एक ही जगह पे लगा देता। वैसे भी मेरे को है ना इनसे कोई लेना देना है नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा आने भी वाला नहीं हूँ, एक्चुअली कभी आ सकता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता कब आऊँगा, तो इनको लगा देते। और वाइट वाला बेड तो मेरा है, तो अभी इन सबको मैं आगे ले लेता हूँ, बो को आगे लेता हूँ, उसके बाद खाना आगे लेता हूँ। तो फाइनली मैंने है ना थोड़ों को मारा तो मुझे 18 मिल चुके, क्या बोलते हैं यार इसको, एमरेल बोलते हैं, तो 18 एमरेल मिल चुका है और मुझे क्रॉसबो भी मिला है, तो इनको है ना मैं फिलहाल मिक्स कर लेता हूँ और थोड़ा पावरफुल बनाता हूँ। और इसके अंदर कौन सा है, इसमें अनब्रेकिंग है तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी मिक्स कर देता हूँ। एक्स भी पावरफुल मिला है, एक्स का मैं क्या करूँगा, एक्स को मैं फेंक ही देता हूँ, मुझे ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और बैनर भी मेरे को मिला है, ऊपर से हेलमेट भी मिला है, मतलब मैं ये रेड को अगर पूरा करता ना तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता, बट मैंने किया नहीं। मैंने कैट को टेम, मैंने किया है कैट को टेम, एक्चुअली मेरे पास 2 कैट है, बट कोई बात नहीं उनको देखेंगे बाद में। अब मैं अपने घर जा सकता हूँ, अब है ना अपने घर चल के मैं दूसरा काम करता हूँ, बेकार में है ना मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था इन लोगों की वजह से। तो यहाँ पे पहले पियर्सिंग वाले को हटाते और सबसे पहले एलाइट्रा पहनते, एलाइट्रा है हमारे पास तो काफ़ी सही है, हम कभी भी अपने घर जा सकते आ सकते बहुत ईजी तरीके से। और सबसे पहले ना मैं इसको हटाता हूँ शील्ड को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो चलिए फिर चलते अपने घर पर सबसे पहले। अब देख सकते हो यहाँ पे बारिश भी हो रहा है, ये हमारा पूरा का पूरा एम्पायर हमने बनाया है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक कबरस्टोन फार्म, ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं वुड फार्म, और ये क्या बोलते हैं यार मॉब फार्म, इनका नाम भी याद नहीं रहता, और ये हमको इसको भी कंप्लीट करना है ये डायमंड बीकन को। तो सबसे पहले चलते हैं और ओके यार यहाँ से नीचे गिर गया, चलो कोई बात नहीं। और है ना बहुत पहले हमने यहाँ पे एक टिकटॉक हैक भी बनाया था काफ़ी अमेजिंग वाला, इसको है ना वाटरफॉल बनाया था, लेकिन इसमें ना वो पोर्शन की ज़रूरत पड़ती है जो है ना अभी ख़त्म हो चुका है मेरे पास। तो है ना देख सकते हो ये भी हमने एक चीज़ बनाया था, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी खतरनाक लगता है ना एकदम सामुराई टाइप का, तो ये मैंने बनाया था और काफ़ी अमेजिंग लगा मेरे को ये। तो आप लोग कमेंट बताना आपको ये कैसा लगा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर चेक कर सकते हो। और अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा आयरन फार्म सब कुछ पड़ा है, सबसे एपिक फार्म जो मेरे ये वर्ल्ड में बना है ना वो आयरन फार्म बना है, और ये वाला आयरन फार्म, और उसके बाद है ना ये क्या बोलते हैं पूरा का पूरा मॉब फार्म, और भी बहुत सारे फार्म मैंने बना के रखे बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा मेरे को। और ट्री फार्म भी काफ़ी सही है, और मैंने अभी अभी तो बनाया, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, मतलब काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मैंने बना के रखी अपने वर्ल्ड में। तो फाइनली मैंने सोलिया, बारिश भी हो रहा था, मैं ना कब से इन एनिमल्स को मैंने यहीं पर रखा है, तो एक्चुअली एक काम करता हूँ इन एनिमल को नेम भी देना है, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे नेम टैग भी पड़े तो इनको नेम दे देते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इनका एनिमल को जब से मैंने टेम किया है वहीं पर रखा है, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पर रख देता हूँ। मेरे पास एक ही डॉगी है, मेरे को और भी डॉगी करना चाहिए टेम, यहाँ पर डॉगी स्पॉन होते बट मैं उन पर कभी ध्यान नहीं देता। और ये हमारे कैट्स भी है तो इसको भी मैं अंदर लेके आ जाता हूँ, मेरे को और भी कैट शायद से ना यहाँ पे बनाने चाहिए, एक्चुअली बनाने नहीं चाहिए ब्रीड कराना चाहिए। और ओके ये कैरेट रखा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं तेरी, यहाँ से चले जा सकता है तू। और एक काम करता हूँ मैं ना दो मेरे पास हॉर्स है ना, तो एक मैं इनको वो भी अरे अंदर आवे नमूनी, बाहर क्यों जा रही है, इसको अंदर लेके आओ तभी काम बनेगा, मेरे को अंदर बिठाना है, बाहर बारिश होता है बिजलियाँ गिरती है तुमको प्रॉब्लम होते है, एक काम करते। और ये लामा क्या कर रहा है यार, मैं यहाँ पे 2 हॉर्स हो गए ना तो मैं उनको ब्रीड करा सकता हूँ। एक्चुअली ब्रीड कराने के लिए गोल्डन कैरेट चाहिए होता है या फिर पता नहीं क्या चाहिए होता है, लेकिन उसको बाद में करते, सबसे पहले ना इनको नेम देते। मैंने अपने घोड़े को नेम दिया है क्या, यहाँ पे देखते तो
मैंने किसी को भी नेम नहीं दिया, आपने कोई भी एनिमल को नेम नहीं दिया, यहाँ पे चारों के चार ऐसे ही पड़े, तो एक काम करता हूँ इनको नेम देते हैं। और चार ही मेरे पास पड़े, चार एनिमल पड़े भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये हमारा सबसे पहला आयरन गोलम था जिसको मैंने बनाया, और इसका नाम भी मैंने रखा था रखवाला, तो इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ पे कोई विलेजर है नहीं, पता नहीं रखवाली किसकी करेगा, बट मैंने सबसे पहले बनाया था इसलिए इसको रखते हैं। तो एक्चुअली अब है ना मेरे को नेम देना है, चार नेम देना है चार एनिमल को। अभी क्या नेम दे, मैं नेम मतलब देने में इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, मैं उनको कुछ भी नेम दे सकता हूँ, देखते हैं अभी क्या नेम देना है। तो मैं ना हॉर्स को क्या नेम दूँ, हॉर्स को है ना मैं हॉर्स ही लिख देता है, जो RSE हॉर्स, तो यही नाम सही है उसके लिए। तो नेम देने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इसलिए फिलहाल यहीं पे रख देता हूँ। डॉग को नेम देता हूँ डॉग ही रख देता हूँ, हाँ यही सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैट को है ना मैं कैट वन और कैट टू नेम दे सकता हूँ, तो अभी नेम देते कैट वन और कैट टू इसको दे देते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता चलेगा अभी कौन सा कैट वन है कैट टू, वो मुझे पता नहीं, मैं किसी को भी दे दूंगा। तो चलिए फाइनली मैंने ना नेम टैग भी ले लिया, और मेरे पास कुछ नेम देने को था नहीं, तो यही काफ़ी सही है, तो यही दे देता हूँ। तो है ना मुझे हॉर्स को नेम देना, हॉर्स कहाँ चला गया, ये हॉर्स मैंने बहुत पहले पकड़ा था, एक्चुअली टेम किया था, पकड़ा नहीं था। और यहाँ पे ना ओके, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है हर एक कॉर्नर पे, चलो कोई बात नहीं। और इसको है ना कैट टू, तो कैट टू किसको दे, कैट वन किसको दे, एक्चुअली है ना जो भी सामने आएगा सबसे पहले उसको दे देते हैं, तो कैट टू जाएगा इसको। और गलती से ना डॉग का नेम मैं कैट को ना दे दूँ, तो यहाँ पे कैट जाएगा और यहाँ पे हमारा डॉग जाएगा। तो फाइनली सबको मैंने नेम दे दिया, ओके नेम नहीं दिख रहा, ओके अब दिखा, तो कुछ ज़्यादा ही पास है। और इसका भी कुछ नेम है, तो इसका डिनर, ओके इसको डिनर बन दिया था मैंने उल्टा करने के लिए। तो चलो सबको मैंने नेम दे दिया अपने वर्ल्ड में, कोई भी बिना नेम का नहीं है, मैं इनको खिला भी सकता, मैंने इनको ना ब्रीड नहीं कराया, तो मैं कैट को सबसे पहले ब्रीड करा था, मुझे सिर्फ दो फिश चाहिए शायद से, तो मैं नीचे से लेके आता फिश, यहीं कहीं हमारा फिश फार्म भी है। ये हमारा फिश फार्म है जो बहुत पहले बनाया था। हमारे वर्ल्ड में ना जगह जगह पे फार्म फार्म है, मतलब ऐसे फार्म जो आपने देखे नहीं होंगे, तो इनको ना मैं शायद से दो में हो जाते होंगे ब्रीड। इनको फिश ही तो खिलाना पड़ता है ना ब्रीड कराने के लिए, टेम कराने के लिए तो फिश खिलाना पड़ता है इतना पता है, बट ब्रीड कराने के लिए क्या खिलाना पड़ता है मुझे ये आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ब्रीड भी कराया गया, मुझे खुद भी याद नहीं है एक्चुअली, बहुत टाइम हो चुका है, तो चेक करने में क्या जाता है, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं। आप लोग कमेंट में बताना कि फिश ही ब्रीड होते हैं ना, अभी बताना क्या, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, अभी मैं वही करने तो जा रहा हूँ, तो अभी इनको चेक करते हैं। तो जब हार्ट आएगा ना तो ये ब्रीड मतलब ब्रीड करते, तो इनको फीड करते हैं। और ओके स्टैंड कर दो इसको, और अभी फिलहाल इसको स्टैंड करो और इसको दे दो, तो ओके चलो फाइनली ब्रीड हो रहा है। इनका नेम आएगा क्या, ये जो कैट आएगी इसका नेम है, तो ओके इसका कोई नेम नहीं है, इसको फिलहाल बिठा देते हैं। और इतना पता है अगर हम इनको खुला छोड़े ना तो ये हमको कुछ गिफ्ट विफ्ट देती है, तो ओके भाई बैठ जा यार, कहाँ जा रही है, और तू बाहर मत निकल, बाहर बारिश वारिश होता है। इनको बहुत दिनों से मैंने मतलब छोड़ ही दिया, और ये वाले डोर का तो मैं कभी यूज़ ही नहीं करता। और वहाँ पे है ना हमारा एक मिनट, वो रहा हमारा वो फार्म, क्या बोलते हैं यार, ट्री फार्म, जिसके ट्री को मैंने सब कट कर लिया है, तो काफ़ी सही है। तो मतलब इनको मैंने इतने पहले मतलब टेम किया था, काफ़ी महीने हो गए, लेकिन अब जाके मैं इनको नेम दे रहा हूँ, इसको भी नेम देना होगा, लेकिन मेरे पास ये नेम टैग नहीं है, मेरे पास एक नेम टैग शायद कहीं पड़ा होगा, बट अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे बहुत सारे डायमंड के टूल है, इसके अंदर बहुत सारे ओके बोन मिल है, बोन मिल से ना मैं ट्री फार्म में भी बना सकता हूँ, शुगर कैन फार्म में भी लगा सकता हूँ। बहुत सारे एनविल है जो मैंने ड्यूपर से बनाया था, आपको पता है एंड सिटी में हमारा एक ड्यूपर है, तो उससे मैंने बनाया था। तो भाई काफ़ी सी हमारे वर्ल्ड में इतने फार्म है कि आप काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत ही अमेजिंग है। और कभी मैं है ना आपको ये वर्ल्ड का है ना वर्ल्ड टूल भी दूंगा, अगर आपको वर्ल्ड टूल चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं है ना हर एक चीज़ बताऊंगा। एक्चुअली हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं मेन मेन चीज़ आपको जरूर दिखा दूंगा। मेरे वर्ल्ड में सबसे एपिक चीज़ है फार्म है, मैंने फार्म काफ़ी एपिक बनाया है, और ये टाउन हॉल भी बेस्ट है, और वो वाला मेरा जैपनीज हाउस भी बेस्ट है। तो आप लोग कमेंट बताना कि मैंने ना सारे क्रिएशन में से आपको कौन सा सबसे मस्त लगा, तो कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।